हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी एंड टेस्टी क्रैब करी। पे मैंने 7-8 लाल क्रैब लिए। मैंने मार्केट से क्रैब खरीदे हैं, तो ये उनके लेग्स बंधे होते हैं थ्रेड से, क्योंकि इनके लेग्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और बाइट करने के चांसेस होते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इनके थ्रेड्स निकाल के एक एक करके इनके लेग्स ब्रेक करने होते हैं। आप चाहे तो लेग्स के साथ ही इसकी करी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लेग्स भी इसके ब्रेक करूँगी और वो अलग से कड़ी में डालूँगी और उनके शेल भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। आपको अगर शेल के साथ पसंद है तो आप उसे शेल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शेल को मैं बाद में ग्राम फ्लोर्स और मसाले के साथ फिल करके स्टफ करके वो अलग से मैं करी में यूज़ करने वाली हूँ। तो आइए चले करते हैं मसाले की तैयारी। यहाँ पे मैंने पैन लिया और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पे कोरिएंडर सीड लिए करीबन 2 टेबल स्पून। इसमें 2-3 तेज़पत्ता हम लोग डालेंगे, उसे तो अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ में छोटा सा जावित्री का हम लोग टुकड़ा डालेंगे, इसे रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। और 2 मीडियम साइज चॉप्ड ओनियन मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। 1 टेबल स्पून जीरा हम लोग इसमें डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा गर्म मसाले, खड़े मसाले भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्याज यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस फ्लेम हम लोग बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक हम पेस्ट की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें 3-4 टमाटर मैंने चॉप करके डाले हैं और साथ ही लहसुन और अदरक मैंने यहाँ पे लिया है। इसका हम लोग फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इसी सेम जार में मैं दूसरा वाला मसाला ग्राइंड करने वाली हूँ। जो मैंने ओनियन फ्राई किए थे वो हम लोग इसी जार में लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट यहाँ पे रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो आइए करते करी की तैयारी। यहाँ पे मैंने पॉट लिया है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाला है, क्योंकि करी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो तो करी अच्छी बनती है। तेल को हम लोग 2 मिनट के लिए गर्म कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 तेज़पत्ता यहाँ पर डाला है, इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। साथ में ही 1 टेबल स्पून जीरा मैंने यहाँ पर डाला है। इसमें 2-3 करी लीव्स डालेंगे, करी लीव्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन लिए है, आप चाहे तो वाइट वाला ओनियन भी ले सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ में थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी डाल देते हैं, इसे अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। स्प्रिंग ओनियन यहाँ पे फ्राई हो गया है। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा सा हम लोग स्पाइसी रेड चिल्ली पाउडर लेंगे। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना ही डालें। यहाँ पे मैं मिक्स मसाला लिया है, जो कि मैंने गरम मसाले सब पीस के यहाँ पे बनाया था। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर से बहुत ही अच्छा स्पाइसी रेड कलर आया है। मैं यहाँ पर टोमेटो पेस्ट डालूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग पकाएँगे। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देती हूँ, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी ऑलरेडी रेडी है। मैंने यहाँ पे जो क्रैब क्लीन करके रखे थे और वॉश करके रखे थे वो यहाँ पे डाले हैं और इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे पकने देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पाइसी कलर आया है। क्रैब्स को मसालों में अच्छे से कोट कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम लोग इसे पकने देंगे, तब तक इसे हम लोग कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो गए, क्रैब्स हमारे अच्छे से पक चुके हैं, मसालों में भी अच्छे से कोट हो चुके हैं आप देख सकते हैं, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो ओनियन का पेस्ट हम लोगों ने बनाया था वो डालेंगे। ओनियन उसकी क्वांटिटी आप एडजस्ट कर ले, आपको जितना थिकनेस चाहिए करी की उसी के अकॉर्डिंग आप मसाला डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो रेड वाला मसाला है अपना और ओनियन का जो वाइट पेस्ट वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कलर एकदम मैच हो जाए। इसे भी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, इसे कवर कर लेते हैं।
ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रखे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, जो हम लोगों ने पेस्ट डाली थी उसका भी कलर रेड हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा वाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे जो मसालों का पानी रखा था पॉट में, जो पानी मसाला बचा था उसे ही मैंने यहाँ पे वाटर में मिक्स करके यहाँ पे लिया है दोनों मसालों का। आप चाहे तो फ्रेश वाटर भी ले सकते हैं। आपको जितनी करी चाहिए और थिकनेस चाहिए उसके मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश वाटर यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नमक डाल देते हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने यहाँ पे नमक एक भी बार नहीं डाला है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। और इसे 3-4 मिनट के लिए हम कवर करके पकने देते हैं, ग्रेवी को बॉईल होने देते हैं। यहाँ पे मैंने जो शेल निकाल के रखे थे उसे मैंने बेसन में मसाले और स्प्रिंग ओनियन डाल के उसको मैंने स्टफ करके थोड़ा सा इसे स्टीम कर लिया था 15 मिनट के लिए ऑलरेडी। तो हम लोग इसे ग्रेवी में डालने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं ब्लैक कलर के इसके शेल थे, वो कैसे ऑरेंज हो गए स्टीम करने के बाद, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और जो मसाला भी हम लोगों ने स्टफ किया तो वो भी अच्छे से कुक हो गया है और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। मैं इसे बाद में ग्रेवी में मिक्स करने वाली हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी में हमारे अच्छे से बॉयल आ चुका है, बहुत ही परफेक्ट स्पाइसी कलर इसको आ गया है और मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। गैस फ्लेम हम स्लो पे कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टफ किए हुए शेल डालेंगे, उसे अच्छे से करी में डिप कर लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। मैंने गैस फ्लेम बंद कर लिया है और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे कवर करके छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद देख सकते हैं आपको करी हमारी सेट हो गई है और बहुत ही अच्छा स्पाइसी कलर आ गया है। इसमें थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर मैं यहाँ पे स्प्रिंकल करूँगी। ग्रेवी हमारे यहाँ पे रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पाइसी कलर आ गया है। जो शेल हम लोगों ने यहाँ पर डाले थे वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए रेड कलर में। मैंने यहाँ पे ग्रेवी निकाल ली है बाउल में, तो रेडी है परफेक्ट स्पाइसी क्रैब करी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप इस स्पाइसी और टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को घर में बनाना ना भूले और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।